Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And earlier to this lecture, I have taken a topic on purposive sampling, and this time I am dealing with critical case sampling. It is a subtype of purposive sampling, and the lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations, your research purposes, your MA education, MEd classes, and various other purposes. Okay, so let's start with critical case sampling. What is critical case sampling? देखिए कभी कभी critical case sampling को purposive sampling के समकक्ष मान लिया जाता है, या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि what is the difference between purposive sampling और and critical case sampling? तो आपको ये जानना होगा कि critical case sampling purposive sampling का ही एक type है, लेकिन ये special है. Special क्या है? ये critical case नाम क्यों है इसके साथ, ये ध्यान देना है. तो critical case sampling क्या है? Critical case sampling is a type of purposive sampling technique. सबसे खास बात, तो जैसे ही ये purposive sampling का type होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा कि ये non-probability के अंतर्गत आ जाएगा, और ये generalization आपका statistical generalization नहीं करेगा, है ना? That is particularly useful in exploratory qualitative research. ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि purposive sampling को हम generally qualitative research में use करते हैं, या exclusively qualitative research में use करते हैं, क्योंकि quantitative में हम purposive sampling नहीं लगा सकते हैं. या research with limited resources, हमारे पास बहुत कम संसाधन है, तो हम क्या अपने purpose के हिसाब से हमको जो मिलेगा हम उसी से बातचीत कर लेंगे, उसी से data ले लेंगे. As well as research where a single case और नंबर ऑफ केसेस कैन बी डिसिसिव इन एक्सप्लेनिंग द फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि यहाँ या तो सिंगल केस पे हम रिसर्च कर रहे हों, या जो भी हमारे पास नंबर ऑफ केसेस हों वो निर्णायक भूमिका अदा करते हों फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस रुचि के विषय पे, जिस रुचि की घटना पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, हम व्याख्या करने जा रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसमें निर्णायक भूमिका निभानी है, इसीलिए इसको क्रिटिकल केस कह रहे हैं. ठीक है, तो इट इज दिस डिसिसिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल केस सैम्पलिंग दैट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यानी कि सबसे खास इसमें क्या है कि वो जो क्रिटिकल केस है, जिसको भी हमने लिया है, पार्टिसिपेंट हो, इवेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्रिटिकल क्यों है. ये डिसिसिव एस्पेक्ट मतलब कौन चुनेगा, कौन निर्णय लेगा कि यही क्रिटिकल केस है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. तो कैसे जानेंगे, टू नो इफ ए केस इज डिसिसिव, हम कैसे तय करेंगे कि ये हमारा निर्णायक केस है. थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हमको सोचना चाहिए, तो हम तय कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा. इफ इट हैपेंस देयर इट विल हैपन एनीवेयर, यानी कि वो इतना क्रिटिकल होना चाहिए कि हम ये कह सकें कि अगर ये यहां होता है, वहां होता है, तो वो कहीं भी हो सकता है. या और इफ इट डजंट हैपन देयर इट वोंट हैपन एनीवेयर, और वो इतना क्रिटिकलिटी उसमें इतनी होनी चाहिए कि अगर हमको ये पता चल गया कि वो वहां नहीं होगा तो वो कहीं और नहीं होगा. ठीक, अभी आगे उदाहरण से समझ में आएगा. एंड इफ दैट ग्रुप इज हैविंग प्रॉब्लम्स, अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप के संग प्रॉब्लम है, देन वी कैन बी श्योर ऑल द ग्रुप्स आर हैविंग प्रॉब्लम्स. तब इसका मतलब कि हर ग्रुप के संग प्रॉब्लम होगी वो केस, तब हम निर्णय कर पाएंगे कि ये क्रिटिकल केस. और ये बता कौन रहे हमको, पैटर्न साहब बता रहे हैं, इनका बहुत सैम्पलिंग पे, क्वालिटेटिव रिसर्च सैम्पलिंग पे काम है. Whilst such critical cases should not be used to make statistical generalizations, ये बात मैं purposive sampling में भी कह रही थी कि हम purposive sampling में statistical generalization नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारा sample है वो हमारे population का representative नहीं है. It can be argued that they can help in making logical generalizations. लेकिन हम logical generalizations दे सकते हैं critical case sampling के संग. क्यों, कैसे दे सकते हैं कि हम कह सकते हैं अगर ये यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होगा, अगर ये यहाँ नहीं हुआ है तो ये कहीं नहीं होगा, इतना criticality उसमें होनी चाहिए. However, such logical generalizations must be made carefully. लेकिन वो logical generalizations भी बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए. Okay. Sorry. फिर the process of selecting a small number, pattern ने कैसे define किया है critical cases को, the process of selecting a small number of important cases, कि क्या वो प्रक्रिया है, कैसे हम छोटे important cases को select करें. वो कह रहा है कि cases that are likely to yield, वो case लिए जा सकते हैं जिनसे हमको लगता है कि most information and have the greatest impact on the development of knowledge. यानी कि जिस भी विषय में हम काम कर रहे हैं उसमें वो जो cases हैं वो सबसे ज्यादा सूचना दे सकते हैं, और ज्ञान के विकास में सबसे बड़ी भूमिका अगर अदा कर रहे हैं, इसका मतलब वही हमारे क्रिटिकल केस बन जाएंगे. समटाइम्स वी कैन मेक लॉजिकल जनरलाइजेशंस बाय टेकिंग ए हैंडफुल ऑफ स्पेशल केसेस बिकॉज दे प्रोवाइड अस इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल पॉपुलेशन. वो कह रहा है कि
कि कभी कभी हम लॉजिकल जनरलाइजेशन बस हैंडफुल ऑफ स्पेशल केसेस से कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमको जनरल पॉपुलेशन के बारे में पर्याप्त सूचना दे देते हैं, इतनी सूचना कि हम जनरल पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइजेशन कर सकते हैं. लेकिन चूंकि इसमें हमने कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाई है, इसलिए हम स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन ना कह के इसको लॉजिकल जनरलाइजेशन कह रहे हैं. ओके. और क्या है क्रिटिकल केस सैंपलिंग? इट्स सैंपलिंग वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन मैक्सिमम एप्लीकेबिलिटी. हमको ये देखना पड़ेगा कि एप्लीकेबिलिटी यानी कि हम इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो मैक्सिमम हो. ओके. फिर इफ द इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग्स होल्ड ट्रू फॉर ए क्रिटिकल केस, अगर जो सूचना हमको मिली है और जो फाइंडिंग्स हमको मिल रही हैं वो अगर क्रिटिकल केस के लिए सही हैं, इट इज लाइकली टू होल्ड ट्रू फॉर अदर केसेस इन कम्युनिटीज एज वेल. तो हम ये निश्चित मतलब कह सकते हैं निश्चितता के साथ कि ये अदर केसेस और कम्युनिटीज के लिए भी सही होगा. क्रिटिकल केसेस आर दोज दैट आर लाइकली टू यील्ड द मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट विल प्रूव अ हाइपोथेसिस और सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड दैट विल हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. वही बात आ गई ना कि कैसे पता चलेगा कि ये क्रिटिकल केस है, सबसे ज्यादा वहां से सूचना मिल जाए, जो ज्ञान का विकास हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा उसका एम्फेसिस हो, तो वो क्रिटिकल केस हो जाएगा. अब आप एग्जांपल जब देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि क्या कहा जा रहा है. ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स कैन आंसर द क्वेश्चंस, वी कैन जनरलाइज दैट एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. है ना, अगर हमने क्लास में कुछ पढ़ाया और जो हमने सबसे हमको लगता है कि ये तो सबसे कमजोर बच्चा है, सबसे कमजोर छात्र है, इसको तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर वो कमजोर छात्र भी उसका उत्तर दे दे रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल प्रिटी श्योर हो सकते हैं कि सब लोगों को वो लेक्चर समझ में आ गया. क्योंकि जो सबसे ज्यादा वीक था, जो वीकेस्ट था, उसने भी बता दिया, इसका मतलब एवरीबडी कैन अंडरस्टूड द लेक्चर. फिर सिमिलरली इफ इवन द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कुड नॉट आंसर, वी कैन रीच द कंक्लूजन दैट द लेक्चर वाज इनइफेक्टिव. और इसी तरह से अगर सबसे अच्छे बच्चे जो हमेशा जवाब देते हैं, हमेशा सही उत्तर देते हैं, वो भी अगर आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हमको ये मानना पड़ेगा कि लेक्चर हमारा कंफ्यूजिंग था, इनइफेक्टिव था, बच्चे उसको समझ नहीं पाए हैं. तो ये जो वीकेस्ट है, ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये क्रिटिकल केस बन जाएंगे. ओके. उसी तरह से और फॉर एग्जाम्पल सपोज नेशनल पॉलिसी मेकर्स, अगर जो राष्ट्रीय पॉलिसी का निर्माण करने वाले लोग हैं वो क्या जानना चाहते हैं, वॉन्ट टू गेट लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस. वो चाहते हैं कि हम लोकल कम्युनिटी को भी ले लें, साथ में लेके चलें डिसीजन बनाने में, अबाउट हाउ देयर लोकल प्रोग्राम विल बी रन. ये बता सकें कि जो लोकल प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो कैसा होगा. But they are not sure that the communities will understand the complex regulations governing their involvement. लेकिन वो इस बारे में sure नहीं है कि जो वो complex regulations जो body लेकर आई है, जो government उन पर apply कर रही है, वो समझ पाएंगे. तो वो क्या करेंगे? The first critical case is to evaluate the regulations in a community of well-educated citizens. तो उस community में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जाके बात कर लीजिए आप. If they can't understand the regulation, अगर वो भी regulation नहीं समझ सके हैं, then less educated folks are sure to find the regulations incomprehensible. तो हम ये समझ सकते हैं कि फिर वो जो अनपढ़ उनके यहाँ की जनता है, जो अनपढ़ folk है, जो less educated है, अशिक्षित है, जिसने कम पढ़ाई लिखाई की है, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाया होगा उसको. क्यों? क्योंकि जो well educated था वो नहीं समझ पाया. और conversely, one might consider the critical case to be a community consisting of people with quite low levels of education. वो कह रहे हैं इसके उल्टा क्या हो सकता है कि हम ये करें कि अगर कम्युनिटी में बहुत क्वाइट लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, इफ दे कैन अंडरस्टैंड द रेगुलेशंस एनीवन कैन. यानी कि एक तो ये कर सकते हैं हम कि वेल एजुकेटेड को हमने ले लिया, वेल एजुकेटेड नहीं समझ पाया तो हम ये मान के चलेंगे कि जो लेस एजुकेटेड थे वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे. लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि लेस एजुकेटेड वाले से अगर हमने बात की और वो अच्छे तरह से रेगुलेशन समझ जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फिर जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो तो जरूर समझ गए होंगे. इसलिए ये कह रहा है कि अगर ये वहां नहीं होगा तो ये कहीं नहीं होगा, और ये अगर वहां होगा तो ये कहीं भी हो सकता है, इस तरीके की बात. तो ये है क्रिटिकल केस के बारे में. तो है तो ये भी पर्पसिव सैंपलिंग, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस सॉल्व करिए, लेकिन हमको इसमें ध्यान ये देना है कि क्रिटिकल केस को हमको चुनना है, और इसलिए इस सैंपलिंग का नाम भी क्रिटिकल केस सैंपलिंग है. और आपको ये बता दिया गया कि क्रिटिकलिटी कैसे तय करनी है, ये तय करनी है कि उसके हिसाब से आप लॉजिकल जनरलाइजेशन पूरी पॉपुलेशन पे दे सकें, इतना क्रिटिकल वो केस होना चाहिए. समझ में आई? तो कंक्लूजन क्या हुआ कि दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल इफ ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस कैन बी सैम्पल्ड. बहुत कम लोगों से अगर बातचीत करनी है, सैंपल का आपके हिस्सा है, तो ये सैम्पलिंग बहुत अच्छी हो सकती है. और दैट स्मॉल नंबर ऑफ केसेस अज्यूमिंग दे कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिटिकल, और वो जो स्मॉल नंबर ऑफ केसेस लिए जाएंगे वो क्रिटिकल होने चाहिए, इज द वंस मोर लाइकली टू प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब उनसे आपको सबसे ज्यादा सूचना मिल जाएगी. क्रिटिकल केस इज वन
that permits analytic generalization as if a theory can work in the conditions of the critical case it is likely to be held to work anywhere, है ना? वो कह रहे हैं कि अगर critical case की दशा में भी वो theory काम कर रही है तो इसका मतलब कि वो हर जगह काम करेगी. तो इस तरीके का ये analytical या logical generalization critical case sampling permit करती है. okay? तो ये critical case sampling है. तो आई होप कि अब आप क्रिटिकल केस सैम्पलिंग को पर्पसिव सैम्पलिंग के इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, बल्कि पर्पसिव सैम्पलिंग बड़ा टर्म है और क्वालिटेटिव रिसर्चेस का दारोमदार पर्पसिव सैम्पलिंग पर है. और पर्पसिव सैम्पलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें से क्रिटिकल केस सैम्पलिंग एक उसका सब टाइप है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू. ओके, डन फ्रॉम माई साइड. हैप्पी लर्निंग.